हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो कुछ खास रहेगी बिकॉज ऑफ क्योंकि ये एलईडी रिपेयरिंग के ऊपर है जो आपके घर में यूज़ करते हैं। ये तो 3 वाट का बल्ब है जो रनिंग कंडीशन में, और हमारे पास एक और बल्ब है जो रिपेयर करना है। तो इसकी रिपेयरिंग क्या सीन है, इसको मैं कैसे रिपेयर करूँगा, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इससे फ़ायदा आपका ये होगा कि ये आप घर बैठे भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो ये एक उजाला का बल्ब है, 9 वाट का। अब इसमें क्या कंडीशन है ये आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेंगे, देन क्या करेंगे इसको रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आ रही है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। कंडीशन कुछ ये आ रही है कि यहाँ पर कुछ LEDs जो हैं वो रनिंग कंडीशन में, जैसा कि हमारे पिछली वीडियो में भी थी, और कुछ LEDs जो हैं सारी, ये वाली LED ग्लो नहीं कर रही है, ये वाली LED ग्लो कर रही है। कुछ आपको शायद इस तरीके से दिख रहा हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक LED को शॉर्ट करेंगे, और वो LED शॉर्ट करेंगे जो कुछ डिफेक्ट हमें लग रही है देखने में। तो सारी LED में कौन सा शॉर्ट मतलब डिफेक्ट दिख रही है, वो कुछ ये LED है। इसमें देखिए आपको डॉट जैसा दिख रहा है, ब्लैक पॉइंट, ये क्या हुआ है, जल गई है, और ये इसकी वारंटी भी चली गई। अगर हम इसे शॉर्ट करते हैं तो क्या होगा कि LED हमारी रनिंग कंडीशन में आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसे शॉर्ट कर देंगे और ये पूरा जो LED है वो फिर से हमारी रन करने लगेगी, इस कंडीशन में आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे। तो पहले हम बंद कर लेते हैं AC सप्लाई, इसको इस कटर की सहायता से इसको थोड़ा सा ऊपर का भाग जो है उसे हम खुरचेंगे। तो 2 जंक्शन बने होंगे, पी टाइप एन टाइप आपने पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप डायोड की कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं, उसमें भी पीएन जंक्शन ही है। तो इसमें क्या करते हैं, हम 2 प्लेट मिलती हैं, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। तो हम इसे शॉर्ट करेंगे बाय यूजिंग सोल्डरिंग आयरन। तो ये हमारे पास सोल्डरिंग आयरन है, और इसको हम बस सोल्ड कर देंगे। अब ये क्या हुआ है, शॉर्ट हो गया है हमेशा के लिए। तो जब हम इस LED को रन करेंगे मतलब AC सप्लाई अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो हमारी ये LED रनिंग कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, बस हमें क्या करना है, इसे फिर से इसका ढक्कन लगा देना है और पैक कर देना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरीके की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी, और एकेडमिक के रूप में भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।